दोस्तों टीम इंडिया का सिलेक्शन हो चुका है बांग्लादेश दौरे के लिए। ऐसा लिख के आ रहा है कि ये फर्स्ट टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए जो बड़े नाम हैं, जिसमें से केएल राहुल आपको नजर आएंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ये सारे प्लेयर फिर से नजर आएंगे, और जायसवाल, गिल, ऋषभ पंत काफ़ी समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, ये सबसे बड़ी बात। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये सारे प्लेयर है। कुछ एक दो प्लेयर और को मौका मिला है जो आप हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 16 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है। क्या लगता है आपको प्लेइंग 11 में कौन सी वो प्लेइंग 11 है 16 में से 11 में अपना जगह पक्का बनाएगी? क्या नए प्लेयर को मौका मिलेगा या कुछ पुराने में से कुछ बैठेंगे? और क्योंकि अभी आप देखिए बांग्लादेश के को आप हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को 2-0 से उन्हीं के धरती पर हरा के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, वो भी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एवर, वो भी सीरीज जीता, ये ऐतिहासिक पल है बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश वहाँ से ढेर सारा कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है इंडिया में, और आत्मविश्वास लेके आ रहा है कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, तो इंडिया को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं, शायद मैच भी जीत सकते हैं। हालांकि इंडिया काफ़ी समय से डोमिनेट करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक में, टेस्ट मैच में, बांग्लादेश के लिए भी आसान नहीं होगा। और इंडिया अभी वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, हालांकि एक ओडीआई सीरीज श्रीलंका में हारा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट मैच हार जाओगे। टेस्ट मैच में अलग ही लेवल का टेस्ट मैच खेलता है इंडिया, देखते क्या होता है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इंडिया की प्लेइंग 11 कौन सी होगी। तो ये था एक छोटा सा स्पोर्ट्स अपडेट्स, और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहो, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।